बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और बड़ा तीखा सा चिली फ्राई इडली बना है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करिएगा। हेलो दोस्तों, आप सबका प्रीतिस किचन डायरी में स्वागत है। आज हम बनाते हैं चिली फ्राई इडली। ये बड़े से लेके बच्चे तक को बहुत पसंद है। आप इसे अपने एज ए किटी पार्टी में एज ए स्टार्टर बना सकते हैं, बच्चों की बर्थडे पार्टी बना सकते हैं। चलिए बनाते हैं चिली फ्राई इडली। चिली फ्राई इडली बनाने के लिए मैंने ये इडली लिया है, इसको मैंने पहले से बना लिया था। कॉर्नफ्लोर, प्याज, शिमला मिर्च, कटी हरी मिर्च, कटी हुई लहसुन, जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक, रेड फूड कलर, कुटी काली मिर्च, अजीनोमोटो, वेनेगर, सोया सॉस, चिली। सबसे बड़े इडली को इडली बनाने का मेथड हमने पहले वीडियो में आपको बता दिया। इडली को आप चाहे चॉपर पे या किसी पे भी रख के इस तरह इसके मुझे स्लाइस कर लेने हैं। बाकी इडली की मैंने कर लिए हैं, बाकी इडली का कर लिया। एक बड़े पॉट में डाल लेंगे। इसमें हम हाफ टी थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा फूड कलर, ज्यादा नहीं। अब ये कॉर्नफ्लोर है, इसमें स्प्रिंकल कर देंगे अच्छे से। हाथ से मिला लेंगे, पानी मत ऐड करिएगा, इसीलिए मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट हल्का सा पतला लिया है, वो इसी में पूरा बाइंड हो जाएगा। अगर आपको लगता है बहुत ड्राई है तो आप एक स्पून ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज मत करिएगा। गैस पे हमने घी चढ़ा दिया था, गर्म है, इसको डीप फ्राई कर लेंगे। बहुत ज्यादा लाल नहीं करना। ये हमारा हो गया है, इसको तेज और फुल आंच पे करना है। लो आंच पे करेंगे तो इडली घी आपका बहुत सोख लेगा। इस तरह हम सारी इडली को अपने डीप फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमने सारा इडली डीप फ्राई कर, इसमें हमने प्याज, कैप्सिकम, कटी हरी मिर्च डाल के अच्छा सा घी में गला रहा है थोड़ा सा। बस 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है मैंने रिफाइंड। इसमें थोड़ा नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डालिएगा। चिली फ्राई इडली है, थोड़ा तो तीखा होगा। सोया सॉस, वेनेगर, इसी में ये दौड़ा देते हैं, वेनेगर, नोमोटो। हम तो डेली में यूज़ नहीं करते, आज वीडियो बना रहे हैं तो डाल रहे हैं। आप चाहो डालो या ना डालो, चॉइस है, क्योंकि हार्मफुल है अजीनोमोटो बहुत ज़्यादा। बिना उसके भी फ्लेवर अच्छा आएगा। ये फूड कलर पिंच, जिंजर गार्लिक पेस्ट अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। आप सब इस पर मिला देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी, 2 टेबल स्पून ऐड कर रहे हैं। गैस को हमने तेज कर दिया है, 2 टेबल स्पून पानी है। अच्छे से इसको बस मुझे एक उबाल देना है। अब ये जो इडली डीप फ्राई की है ये भी सारा इसी में मिला देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। आंच मीडियम कर देंगे। लो है अब ये कुटी काली मिर्च, इसमें हम अच्छे से स्प्रिंकल कर देंगे चारों तरफ। इसको भी मिक्स कर देंगे और 2 मिनट तक इसे हम ढक के 2 से 3 मिनट मीडियम आंच पर ढक देंगे, पूरा फ्लेवर इससे इसके अंदर अच्छे से आ जाए। 3 मिनट हो गया है, पूरी खुशबू और फ्लेवर इसके अंदर आ गया है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और बड़ा तीखा सा चिली फ्राई इडली बना है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। आप बच्चों की बर्थडे पार्टी में, अपने किटी पार्टी में एक बार ज़रूर ट्राई करिए, बहुत ही अच्छी डिश है। देखिए हमारी चिली फ्राई इडली बन के बिल्कुल तैयार है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।